तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कैबेज मंचूरियन बनाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक बाउल लेंगे। यहाँ मैंने पत्ता गोभी लिया है और इसको कद्दूकस कर लेंगे। ये कद्दूकस कर लिया है मैंने। एक मैंने मीडियम साइज का प्याज लिया था और इसको फाइन चॉप कर लिया है। ये डाल देंगे इसमें। नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर डालेंगे, कॉर्नफ्लावर डालेंगे, थोड़ा सा मैदा डालेंगे। अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। हमारे मंचूरियन का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इनके छोटे छोटे बॉल्स बना के फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है। अब हम इस साइज के छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे और इन्हें तेल में फ्राई कर लेंगे। बॉल्स हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तेज आंच पर फ्राई करने से ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं। देखिए कितना अच्छा कलर दिख रहा है। अब हम इसे थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। हमारे मंचूरियन बॉल्स फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें बर्तन में निकाल लेते हैं। बहुत ही क्रंची फ्राई हुए हैं। देखिए हमारे मंचूरियन बॉल्स बन चुके हैं। अब हम इन्हें सर्व कर लेंगे। क्रंची है और अंदर से ये नरम भी बहुत है। ये देखिए इस तरह का बना है। कैबेज मंचूरियन बॉल्स बनके तैयार है। देखिए दोस्तों, देखने में कितने यमी लग रहे हैं और हम इसे मोमोज की चटनी के साथ सर्व किए हैं। दोस्तों, मेरी रेसिपी मैंने जिस तरह से बनाई है उस तरह से आप भी बना के ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि कैसी बनी थी। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।